कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, और तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। और शेर पढ़ती हूँ समाज की जगह बता रहे खास कि मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी मैं हूँ। मेरे भाई आप बेफिक्र रहे हैं, आपको इंदौर से अमरोहा जरूर लेके जाऊंगी मैं, घबराइए मत। मैं ये भी शेर पढ़ती हूँ बतौर खास, समाप्त कीजिएगा। अहले इल्म का मजमा है, एक देश की बेटी हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करती है ये शेर बतौर खास कि ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी, बीज नफरत बोने दूंगी। क्या बात है, क्या ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। और मक्ते का शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। के फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी। बहुत अच्छे। मैं उसे अरे वो मैं तुझको सिखाऊंगा भाई, एक बार जोरदार इस्तकबाल कीजिए। देखिए बहुत अच्छी बहुत अच्छा गीत पढ़ने के लिए मैंने इन्हें आवाज दी है, इंशाल्लाह आपको इस गीत में बहुत मजा आएगा। पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक बार जरा हाथ उठा के इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया। मैंने आपसे कहा कि जब मैं पढ़ती हुई करूँ ना तब कैमरा घुमाया कीजिए ताकि पता चले कि मुशायरा इंदौर में हो रहा है, इंदौर के बाज़ौक सामईन इस मुशायरे को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपकी कवरेज भी अच्छी होगी। मुझे शूट ना करके इंदौर के सामईन को शूट कीजिए, सुनिएगा पढ़ती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बन समाप्त कीजिए, इन्हें यही पड़ोस मिला था बैठ के भैयान के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इधर मुखातिब हो जाइए, मैं पढ़ रही हूँ कि मैं एक कली प्यार
को सिखाओ प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आपकी फरमाइश है, अगर आपने दाद में कोताही की या अपनी दुआएं आप तक मुझ तक नहीं आई तो फिर मैं गीत जो है सिर्फ आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगी। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह गीत का दूसरा बंद आप तक पहुँचाती हूँ। आपको दाद बराबर आ रही है कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के, मतलब चीता समझ में आया या गाय? इन्हें चीता भी समझ में आता है, गाय भी समझ में आती है। पढ़ रही हूँ समाज कीजिएगा, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं नू भाई, मगर जितना ये यहाँ बोल रहे हैं ना इतना घर में नहीं बोलते हैं। मैं पढ़ रही हूँ सुनिएगा, कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में सौ सौ बार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना। मेरे भाई ऐसे हंसेंगे ना आप तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं आखिरी बंद पढ़ती हूँ, माइक हकीकत में बहुत खराब है। नहीं नहीं पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। समाप्त कीजिएगा, बता रहे खास आखिरी बंद। माइक बहुत अच्छा है इस बात का यकीन कर लीजिए, बहुत अच्छा है। देखिए कभी कभी वो किस अंदाज में सीटियां बजाता है। नहीं आपने चाय की बात की थी, आपने स्टेज पे चाय तो मना कर दी, मगर अनवर दस्तक भाई से गुजारिश है कि वो चाय के साथ पकौड़े और भेज दें। तो मैं पढ़ती हूँ, समाप्त करें आखिरी बंद। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी हर शाख पे तेरा बसेरा, और मुझ पर ये पाबंदी मैं नाम जपूं बस तेरा, तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। आखिरी सफ से लेके शुरू की सफ से लेके और आखिरी सफ तक मेरे सभी भाइयों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।